तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एजुकेटर्स एको की एक नई वीडियो में। और जैसे कि अभी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि 2-3 वीडियोस आउट कर देता हूँ। तो वीडियोस बनाना चालू कर दिया मैंने, और 21 दिन के लॉकडाउन में जो कि कोरोना से बचने के लिए लिया गया है, तो घर में रहिए और स्टे सेफ। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही पुराने ज़माने की, नहीं अभी मतलब 2001 और 2005 के बीच में ये बहुत चली। तो इस टीवी को हम आज खोलने वाले थे, पर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर मेरे पास वो वीडियो है कि इसमें क्या क्या सामान निकला था, और मेरे पास इसकी फ़ोटोज़ है, तो आप देखते रहिए, चिंता मत करिए। तो इस टीवी का नाम है रियर प्रोजेक्शन टीवी। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्टर टीवी की तरह है, मतलब इसके अंदर इनबिल्ट प्रोजेक्टर लगा है, जिसमें वो मतलब पूरा इनक्लोज़र है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये टीवी है, ये पूरी पैक है आजू बाजू से, इसमें कहीं प्रोजेक्टर दिखता नहीं है, असली टीवी की तरह दिखती है, बस बहुत बड़ी है। और ये प्रोजेक्टर इस्तेमाल करती है अंदर, और रिफ्लेक्टर्स और लेंस इस्तेमाल करती है इसके डिस्प्ले के लिए। तो ये ऐसे ही डिस्प्ले करती है। और अब मैं बताता हूँ कि इसमें से क्या क्या सामान निकले थे। वैसे ये टीवी बहुत चल रही थी 2001 से 2005 के बीच में, तो पर इसकी क्वालिटी जब LED आने लग गई, OLED का डिस्कवर हुआ, MOLED आ गई, तो इसके सारे ट्रेंडिंग फीचर्स चले गए और अपने LED आ गई। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं सामान की। तो इसमें सामान क्या क्या निकला था, सबसे पहले दोस्तों यहाँ इसका ये एक मेन सर्किट बोर्ड निकला था, जिसमें अपना फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर लगा है, जो कि बहुत काम की चीज़ है। और यही वो प्रोजेक्टर की जो लाइट वगैरह है CRT टीवी में लगता है ये, वैसे तो ये उसको कंट्रोल करता है। और बाकी की सर्किटरी उसके वॉइस को और जो भी इसमें पिक्चर प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, जो भी ये सर्किट है ये CRT टीवी चलाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत काम के ट्रांजिस्टर, MOSFET, IGBT और पता नहीं क्या क्या लगा है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैं बहुत यूज़ कर सकता हूँ। आगे की बात करते हैं, सर्किट बोर्ड निकला था वो बताता हूँ। वैसे इसमें 3 सर्किट बोर्ड निकले थे, तो ये है दूसरा सर्किट बोर्ड। अब जो है ना, ये कंट्रोल करता है ऑडियो और वीडियो इंटरफेस का। जैसे हम टीवी में जो पीछे AV केबल लगाते हैं वो वाला पार्ट है, मतलब ये रिसीव करता है वहाँ से सिग्नल और डिकोड करके उसको इमेज बनाने, इमेज प्रोसेसिंग के लिए देता है। तो इसका काम ये है। अब अगला सर्किट बोर्ड देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड सर्किट बोर्ड है। वैसे इसमें 3 मेन सेक्शन वाले सर्किट बोर्ड निकले थे बड़े बड़े, उसमें से 2 दिखा दिए। अब एक और सर्किट बोर्ड है यहाँ, जो कि है, ये है इसका मेन पावर सप्लाई। जो भी टीवी में पावर सप्लाई लगता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और जितने भी वोल्टेज उसको सही रहते हैं, ये सब उसको रेगुलेट करके देता है, मतलब। और इसके 2-3 कैपेसिटर फुल हैं, जैसे ये ब्राउन वाला, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसमें से बस कंपोनेंट्स निकाल लूँगा, मुझे पता है ये ख़राब हो गई है अब। पर इसमें ये MOSFET लगे हैं बड़े बड़े, तो ये काम आ सकते हैं, और कंट्रोलर्स भी लगे हैं। और आगे देखते हैं दूसरा सर्किट बोर्ड जो है, वैसे 3 बड़े थे, अब छोटे छोटे सर्किट बोर्ड निकलेंगे, मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे वो। ये है कंट्रोलर, जो कि CRT टीवी के जो स्पार्क गैप रहता है ना, उसको कंट्रोल करता है बस। इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा था, तो मैंने इसको भी निकाल लिया था। अब नेक्स्ट चीज़ जो निकली है ना, वो बहुत सारे वायर्स निकले हैं, तो वायर्स बहुत सारे निकले हैं इसमें से। और अब दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ निकली थी, सबसे महंगी चीज़ निकली थी इसके अंदर, वो आ रही है। तो तैयार रहिए, ड्रम रोल प्लीज़। लेंस, ये कॉनकेव लेंस, जो कि मैग्नीफाइन करता है और इमेज को प्रोजेक्ट करता है और अपन को स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, और मैंने जानकारी ली है कि इसकी एक की प्राइस 7,000 रुपीज़ है, मतलब ये एक लेंस इतना महंगा है, सोच सकते हैं। और इसमें से ऐसे 3 लेंस निकले थे, तो ये लेंस है, वैसे मेरे को 3 मिले थे इसमें से। अब मैं बता देता हूँ कि ये टीवी कैसी थी, मतलब ये टीवी की फ़ोटो तो आप देख ली थी पहले, एक और बार देख लीजिए, ऐसी टीवी थी। और उसके अंदर जो लेंस है ना, वो वहाँ से निकाला है, जहाँ ये 3 स्पॉट्स दिख रहे हैं ना कलरफुल, वहाँ से मैंने ये लेंस निकाले थे। ये कलरफुल जो मतलब लाइट लगी है उनके ऊपर ये लेंस लगा था, और ये रिफ्लेक्ट करके फिर टीवी के स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते थे इमेज। तो ये जो लाइट्स है ना, ये लाइट प्रोजेक्ट करती थी लेंस में, वो लाइट उसको मैग्नीफाइन करके उस पर प्रोजेक्ट करती थी। अब ये 3 अलग अलग कलर की लाइट है, ग्रीन, रेड और वाइट, तो ये तीनों मिक्स होके
हजारों कलर बनते थे इनसे। वैसे तो दुनिया में 7 ही कलर हैं, पर ये 7 कलर के मिक्सचर से डार्क, लाइट और जितने भी सब हम मिक्स करके बनाते हैं ना, इनसे मिलियंस कलर बन जाते हैं। तो ये एक एक कलर ऐसे प्रोजेक्ट करती थी टीवी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वैसे तो इसमें बहुत सारी काम की चीज़ निकली थी, स्पेशली जो CRT का फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और बहुत ही अच्छी चीज़ थी, तो मैंने उसको निकाल लिया। और उसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ निकली थी। तो देखते रहिए, आने वाली वीडियोस में और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे। और घर में रहिए, स्टे सेफ, और 21 दिनों में कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।